प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का नया मेडिकल बुलेटिन अस्पताल ने जारी कर दिया है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हीराबा की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। हीराबा अब लिक्विड डाइट ले सकती हैं। हीराबा को किसी भी सपोर्ट सिस्टम पर नहीं रखा गया है। 6 डॉक्टरों की टीम हीराबा की निगरानी कर रही है और ये राहत देने वाले पहला मेडिकल बुलेटिन है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, कब तक हीराबा को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है और फिलहाल जैसा कि बताया गया कि वो लिक्विड डाइट पे हैं तो उम्मीद की जाए कि जल्द? बिल्कुल, देखिए सवेरे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे पहुँचे थे, इस अस्पताल में पहुँचे थे जहाँ पे हीराबा एडमिट हैं। और उसके बाद सीएमओ की तरफ से, गुजरात सीएमओ की तरफ से एक बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि 1 से 2 दिन में वो यहाँ से डिस्चार्ज हो सकती हैं। तो जो आपका सवाल था कि डिस्चार्ज कब होंगी, तो आधिकारिक बयान गुजरात सीएमओ की तरफ से है कि 1 या 2 दिन में वो डिस्चार्ज हो सकती हैं। वहीं जो ताज़ा जानकारी हॉस्पिटल से मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है और ओरल डाइट जो है वो कल रात से उन्होंने लेना शुरू किया है और अपनी दैनिक दिनचर्या के जो भी काम होते हैं वो कर पा रही हैं। लेकिन अभी भी डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है और आधे दर्जन डॉक्टर यानी कि 6 डॉक्टर्स जो हैं उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए हुए हैं। कल प्रधानमंत्री भी मिलने आए थे अपनी माँ से, रात में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी आए थे यहाँ पे, कई मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री ही अपनी माँ से मिल पाए। बाकी की जो नेता यहाँ पे पहुँचे थे उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री के परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी जो हैं वो लगातार यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद रह रहे हैं और उन्हीं के साथ भी हीराबा रहती हैं, तो उनसे जुड़ाव जो है इस वजह से वो यहीं पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर हॉस्पिटल से जो जानकारी है या गुजरात सीएमओ से जो जानकारी है उसमें यही कहा गया है कि हालत जो है वो पहले से बेहतर है, स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से सुधर रहा है, लेकिन फिलहाल ऑब्जर्वेशन में जरूर है, 6 डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है और 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज होने की संभावना है। पवन, शुक्रिया राजेश, आपने राहत देने वाली खबर दी है कि अगले 1 से 2 दिन में नरेंद्र मोदी जी की मां को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।